गोपीजना वल्लभा गिरिवर धारी जसोदा नंदन ब्रज जन रंजन जसोदा नंदन ब्रज जन रंजन जसोदा नंदन ब्रज जन रंजन जमुना तेरा बनचारी जय राधा माधव कुंज बिहारी जय राधा माधव कुंज बिहारी श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद सदि गौर भक्तवृंद हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे जय राधा माधव राधा माधव राधे जय राधा श्याम सुंदर राधा श्याम सुंदर राधे जय कृष्ण बलराम कृष्ण बलराम जय कृष्ण बलराम जय गौरनिताय गौरनिताय जय गौरनिताय जय जय प्रभुपाद 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 प्रभुपाद
নিতাই গৌর হরি বল হরি বল হরি বল হরি বল श्री श्री राधा श्याम सुंदर जीव की, श्री श्री कृष्ण बलराम जीव की, श्री श्री गौर निताय जीव की, श्रील प्रभुपाद की, समवेत भक्त वृंद की, निताय गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। ओम अज्ञान तिमिरांधस्य ज्ञानांजना शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स पदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरौ श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगना रघुनाथान्वितं तं सोजीवं स्वाद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादन् सहगना ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। नमो यं विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वतीदेवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषशून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे वंशकल्पतरुभस्य कृपासिन्धुभयैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदन्नाय कृष्णप्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नाम्ने गौरतिसे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरि प्रिय। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते श्री चैतन्य चंद्राय ओम नमो भगवते श्री चैतन्य चंद्राय ओम नमो भगवते श्री चैतन्य चंद्राय। आज हम लोग श्री चैतन्य चरितामृत से पाठ करके श्रवण करेंगे श्लोक अध्याय आदि लीला तीसरा अध्याय 35 नंबर श्लोक से पढ़ेंगे 40 नंबर श्लोक की व्याख्या करेंगे। तो श्री चैतन्य चरितामृत
श्रील कृष्णदास कविराजी गोस्वामी की कृति। कृष्णदास कविराजी गोस्वामी अत्यंत वृद्ध थे, जिस अवस्था में इस ग्रंथ का लिखन हुआ उस समय बहुत उनका अवस्था हो चुकी थी। आमी वृद्ध जरातुर लिखिते कापये कर ना देखिए नयने ना सुनये श्रवणे तबु लिखी एवड विस्मय। स्वयं अपने अवस्था का वर्णन कर रहे हैं, मैं वृद्ध हो चुका हूँ। आमी वृद्ध जरातुर ना देखिए नयने, आँख से देखते नहीं है, ना सुने श्रवण कान से सुनते भी नहीं है। इसी अवस्था 100 साल की अवस्था से ज़्यादा अधिक, ना देखिए नयने ना सुने श्रवणे तबु लिखी एवड विस्मय। जो इस मैं इस ग्रंथ का लिखन कर रहा हूँ ये बड़ा विस्मय है, ये बड़ा आश्चर्य है। कि अद्भुत चैतन्य चरित, चैतन्य महाप्रभु चरित्र बहुत अद्भुत है। कि अद्भुत चैतन्य चरित कृष्ण उपजीवे प्रीति बुझीबे रसेर रीति सुनिले हाय बड़ हित। चैतन्य महाप्रभु चरित्र अत्यंत अद्भुत है। अगर कोई इसका रोज नित्य प्रति श्रवण करते हैं तो इसका निश्चित कृष्ण में प्रेम हो जाएगा। क्रम से नियम से अगर कोई पाठ श्रवण करे तो इसका कृष्ण प्रेम, ये आशीर्वाद श्रील कृष्णदास कुबेर गोस्वामी दे रहे हैं। और कृष्णदास कुबेर गोस्वामी वृंदावन आए कैसे जान दे? कृष्णदास कुबेर गोस्वामी नित्यानंद प्रभु स्वयं स्वप्नादेश कर रहे हैं, हे कृष्णदास जाओ वृंदावन, वृंदावन जाने से तुम्हारा समस्त मनोरथ पूर्ण हो जाएगा। ये स्वयं नित्यानंद स्वप्नादेश दे रहे हैं। आज सपना जैसे मिला सुबह उठकर चल दिए वृंदावन। वृंदावन आकर उन्होंने उस समय सभी गोस्वामी लोग थे साथ में रहकर भजन किए। जीवन का लक्ष्य होना चाहिए भजन, किस प्रकार से प्रभु का नाम जप में रुचि हो जाए लगे, यही जीवन का लक्ष्य। यहाँ आने के बाद और व्यापार धंधा करने से रस खत्म हो जाएगा। किसी प्रकार से जीवन जी जाए, शरीर निर्वाह हो जाए, इतना ही जीवन का लक्ष्य होना चाहिए। हाँ, जीवस्य तत्व जिज्ञासा नार्थ जस्चे है कर्म भी। जीवन की तत्व जिज्ञासा है कि कृष्ण प्रेम कैसे प्राप्त हो, भगवान के प्रेम कैसे मुझे प्राप्त कैसे मिले, ऐसे ऐसे हमारे ध्यान होना चाहिए। किंतु समय के प्रभाव से, काल के प्रभाव से, सब अन्न के प्रभाव से, जैसे अन्न ऐसे मन बनेगा, तो इसीलिए बहुत सूखा रूखा जैसे तैसे जीवन निर्वाह हो जाए। उसी से लक्ष्य अगर स्थिर हो, ऐसे आप ध्यान में रखिए कि हम भजन कर रहे हैं, सभी भजन कर रहे हैं, कोई किसी में भजन में कमी नहीं है। अगर लक्ष्य विषय है तो विषय मिलकर रहेगा, अगर लक्ष्य भगवत प्राप्ति है तो भगवत भगवत वस्तु व भगवान की प्राप्ति हो जाएगी। लक्ष्य पर ध्यान है, भजन तो सभी कर रहे हैं, सबको भगवान की प्राप्ति नहीं होगी। लक्ष्य जैसे होगा ऐसे उसका फल मिलेगा। जैसे गोपीजन भजन तो कर रहे, संसारी गृहस्थी की काम कर रहे, किंतु लक्ष्य है श्याम सुंदर से कैसे मिले। रात दिन घर की काम कर रहे हैं और लक्ष्य है भगवान का मिलन, उनका आखिरी में भगवत दर्शन हुआ। और हम जैसे संसारी जीव भजन तो कर रहे, लक्ष्य है कैसे विषय प्राप्त हो जाए, धन संपत्ति नाम जस प्रतिष्ठा मिले। तो आखिरी में नाम कल्प वृक्ष है, जो मांगेंगे वो मिल जाएगा। तो इसीलिए भूल से भी ना मांगे, मुझे कुछ शारीरिक सुख सुविधा मिले। इतना तक कहे सुना जाता है कि सम्मान से भोजन भी ना मिले, सम्मान से भोजन भी ना मिले। हे प्रभु अगर देना चाहे तो आपका श्री चरणामृत मुझे प्राप्त होना चाहिए, यही जीवन का लक्ष्य। तो कृष्णदास कविराज गोस्वामी आकर जीवन में जम कर प्रभु का नाम का रस साधन किए। श्रीमद् भागवत गीता
जहाँ समाप्ति है वहाँ श्रीमद् भागवत का शुरुआत है। श्रीमद् भागवत के साथ शेष कहाँ है? सर्वधर्मान परित्याज्य, सभी धर्मों का परित्याग करके मेरा भजन करें और मैं सभी प्रकार से पापों से आपको मुक्त करेंगे। और वहीं से भागवत शुरुआत है। भागवत शुरू कहाँ से? ना धर्म प्रज्जित कैतव अत्र परमो निर्म शरणाम सताम। धर्म प्रज्जित जिस प्रकार जो धर्म कैतव धर्म है, कपट धर्म है, छल धर्म है, उसको श्रीमद् भागवत से निकाल दिया। धर्म अर्थ काम मोक्ष जो चतुर्वर्ग है, इस श्रीमद् भागवत में इसका स्थान नहीं है। श्रीमद् भागवत में शुद्ध कृष्ण प्रेम की वार्ता है। तो श्रीमद् भागवत जहाँ गीता की शेष है वहाँ भागवत की शुरुआत है, वहाँ धर्म अर्थ काम मोक्ष की वार्ता नहीं है। आज जहाँ भागवत का अंत है वहाँ श्री चैतन्य चरितमृत शुरुआत है। भागवत का अंत कहाँ है? तस्मा संकीर्तनं विष्णु सर्व पाप प्रणाशनम, प्रणाम सर्व दुखनम, प्रणाम सर्व, जैसे नाम संकीर्तनं विष्णु, नाम संकीर्तन ही भगवान विष्णु की सबसे बड़ा प्राप्ति का उपाय है। और अगर उसी के कोई रटन करे, उसी का अगर पालन करे तो सभी प्रकार पापों से वो मुक्त हो जाएंगे। और श्री चैतन्य चरितामृत नाम से ही शुरुआत है। प्रभु की श्री चैतन्य महाप्रभु का अवतरण, नाम का वितरण करना। चैतन्य महाप्रभु सभी युगों में आए। देखिए आगे वर्णन आए गए हैं। आज का श्लोक है तो ग्रंथ के विषय में सुना, ग्रंथकार के विषय में सुना। ग्रंथ बहुत अमृत है, बहुत सुंदर है, हमारे में कमी है। ये बात सत्य है कि हम इसके यज्ञ नहीं हैं। तो यज्ञ तभी बन पाएंगे जब हम नाम का रसासादन करेंगे। जितना अच्छा से नाम का हम साध लेंगे उतना ही चित्त साफ होगा, उतना ही हम पारमार्थिक तत्व का समझ पाएंगे। इस आज हमारी चित्त में अशुद्धि है, इसलिए शास्त्र को ठीक से समझ में नहीं आता है। तार जुगावतार जानी गर्ग महाशय कृष्णेर नाम करने कोरिया छे निर्णय। यहाँ से एक कुछ श्लोकों में कृष्णावतार की वर्णन करेंगे। कृष्णावतार भगवान कृष्ण का नामकरण कर रहे गर्गाचार्य। तो गर्गाचार्य नामकरण कहाँ किए थे? गौशाला में, गोपन में, किसी को जानकारी नहीं था, कोई जान ना पाए। हाँ, उस समय कंस का बहुत बड़ा भय था, तो इसलिए गर्गाचार्य कहाँ किए? गौशाला में नामकरण किए भगवान कृष्ण का और बलराम का। तार जुगावतार जाने, जुगावतार जाने गर्ग महाशय कृष्णेर नाम कर नामकरणे करिया छे निर्णय। उनको चैतन्य को कलिजुग के लिए अवतार जानकर ही गर्ग मुनि ने कृष्ण के नामकरण संस्कार के समय उनके आविर्भाव को भविष्यवाणी की थी। ये है प्रश्न कि गर्गाचार्य ने श्री कृष्ण की, देखिए श्लोक दे रहे गर्गाचार्य, आसन वर्णाश्रयो हिष्य गृह्णतनु युगम तनु शुक्ल रक्तस्तथा पीत इदानीम कृष्णताम गत। आसन वर्णाश्रयो हिष्य अश्य भगवतस्य अनुजुगम गृह्णत अनुजुगम तनु। ये युग युग में भिन्न भिन्न प्रकार के शरीर युग में आते हैं। आसन वर्णाश्रयो हेश्य गृह्णत अनुजुगम तनु शुक्ल रक्त तथा पीत। तो जब सत्य युग में आते तो इनका नाम पड़ जाते शुक्ल, और शरीर का रंग भी शुक्ल सफ़ेद, रक्त इनका नाम भी रक्त, शरीर का रंग भी रक्त, शुक्ल रक्त तथा पीत।
और अन्य युगों में पीत वर्ण धारण किए, किंतु इस समय द्वापर में कृष्णताम गता, कृष्ण का शरीर का रंग कृष्ण सैम रंग है। जब यह बालक कृष्ण विभिन्न युगों में प्रकट होता है तो उसके अन्य तीन रंग होते हैं, उसके अन्य तीन रंग होते हैं, श्वेत, लाल तथा पीत। इस समय यह दिव्य सैम कृष्ण रंग में प्रकट हुआ है। तो श्री चैतन्य महाप्रभु का जो अवतरण, जो शरीर का रंग पीत वर्ण होगा, एक गर्गाचार्य ने भविष्यवाणी कर दी थी। गर्गाचार्य ज्योतिषी थे, वो भूत भविष्य सब जानते थे। शुक्ल रक्त तथा पीत, शुक्ल रक्त और पीत तीनों जगह में तीन रंग, ठाकुर जी के तीन नाम, और इस समय कृष्णतम गता, दो चीज़ों पर ध्यान दे। गृह तो अनु युगम तनु, युग युग में आएंगे, हर युग में इनका अवतार है, और इस समय इस सैम रंग का सैम रूप धारण किया। जब यह बालक कृष्ण विभिन्न युगों में प्रकट होता है तो उसके अन्य तीन रंग होते हैं, श्वेत, लाल तथा पीत। इस समय यह दिव्य सैम कृष्ण रंग में प्रकट हुआ है। शुक्ल रक्त पीत, देखिए श्लोक दिए, उसके बाद उसका माने प्यार में लिख रहे हैं, शुक्ल रक्त पीत वर्ण, शुक्ल रक्त पीत वर्ण ए तीन दूती सत्य त्रेता कोली काले धरण श्रीपति। भगवान श्री कृष्ण तीनों युगों में शुक्ल रक्त पीत ये तीन कांति को धारण करेंगे, और सत्य त्रेता कोली इसका वर्णन कर दिया। फिर कविराज गोस्वामी यहाँ विशेष रूप से वर्णन किए कि कोली में पीत वर्ण धारण करेंगे ठाकुर जी। श्वेत, लाल तथा पीत ये तीन शारीरिक कांतियाँ हैं, जिन्हें लक्ष्मी देवी के पति भगवान क्रमशः सत्य, त्रेता तथा कलि युग में धारण करते हैं। जिस श्री चैतन्य महापुरुष साक्षात श्री कृष्ण, यह एक प्रमाण गर्गाचार्य ने भविष्यवाणी से कहे। श्री चैतन्य सब लोग कहते श्री चैतन्य महाप्रभु गौड़िया कह सकते हैं, हम क्यों माने चैतन्य महापुरुष स्वयं भगवान ने, इसका गर्गाचार्य ने इसका प्रमाण दिया। तो गर्गाचार्य तो आज कलि युग का तो नहीं है, ये तो द्वापर युग के हैं। तो उन्होंने उस समय भविष्यवाणी की कि कलि युग में पीत वर्ण रूप धारण करेंगे। इसलिए हम सब का संदेह का दूर करना चाहिए कि चैतन्य महाप्रभु साक्षात श्री कृष्ण, इसमें कोई संदेह नहीं, संदेह बिल्कुल दूर कर देना चाहिए। इदानीम द्वापरे तिहो कोई होइला कृष्ण वर्ण, ए सब शास्त्रागम पुराणेर मर्म। इदानीम द्वापरे तिहो होइला कृष्ण वर्ण, ए सब शास्त्रागम पुराणेर मर्म। अब द्वापर युग में भगवान सैम रंग लेकर, भगवान सैम रंग लेकर अवतरित हुए थे। इस संदर्भ में पुराणों तथा अन्य वैदिक ग्रंथों के कथनों का यही सार है। अब द्वापर युग में भगवान सैम रंग लेकर अवतरित हुए थे। इस संदर्भ में पुराणों तथा अन्य वैदिक ग्रंथों के कथनों का यही सार है। इदानीम द्वापरे तिहो होइला कृष्ण वर्ण, ए सब शास्त्रागम पुराणेर मर्म। द्वापरे भगवान सैम, द्वापरे भगवान सैम पीतवास निजायुध श्री वत्सादिभिर् रक्तस्य लक्षणैर् उपलक्षितः। द्वापरे भगवान सैम, द्वापर युग में भगवान कृष्ण वर्ण में प्रकट होते हैं। ये तीन वस्त्र धारण करते हैं। ये अपने आयुध हथियार लिए रहते हैं तथा कौस्तुभ मणि एवं श्रीवस्त्र चिन्ह में अलंकृत होते हैं।
उनके लक्षणों का ऐसा वर्णन किया गया है। भगवान श्री कृष्ण अवतरण का कारण सुना रहे हैं, श्री कृष्ण अवतार की कृष्णदास कविराज गोस्वामी ने वर्णन करे कृष्ण अवतार संबंध में, भगवान कृष्ण कौन। फिर कृष्ण अवतार बोलने के बाद श्री चैतन्य महा अवतार का भी उपक्रम करेंगे। श्री चैतन्य अवतार वही श्री चैतन्य अवतार है, श्री चैतन्य महाप्रभु रूप में आए हैं, इसका भी वर्णन करेंगे। यह श्लोक श्रीमद् भागवत एकादश स्कंध पंचम अध्याय 27 नंबर का है। इसे राजा निमि ने 9 9 राजयज्ञों में सर्व प्रमुख राज ज्योतिष में क्या लिखे, राजयोगी में सर्व प्रमुख संत कर भाजन ने विभिन्न युगों में भगवान के विविध स्वरूपों के संबंध में बतलाते हुए कहा था। कोली युग आज के श्लोक ये है, कोली युगे युग धर्म नामे र प्रचार तथे लागी पीत वर्ण चैतन्य अवतार। ये जो पहले श्लोक जितना बोले कृष्ण अवतार संबंध बोल दिया, भगवान कृष्ण इस प्रकार आएंगे, नाम भी बताया और उनका समस्त कुछ कृष्ण अवतार का संबंध सुनाया। अभी चैतन्य अवतार है, कोली युगे युग धर्म नामे रे प्रचार, कोली युग में युग धर्म, कोली युगे युग धर्म क्या है, नाम का प्रचार। तथी लागी पीत वर्ण चैतन्य अवतार, इसका पहला क्रम इस प्रकार है कि ब्रह्मा जी के एकादश चतुर्युग में एक मनमंत्र और चतुर्दश मनमंत्र में ब्रह्मार एक दिन, तो ब्रह्मार एक दिन में भगवान एक बार आते हैं, ब्रह्मार एक दिन में भगवान एक बार आते हैं, दोबार नहीं आते, याद रहेगा। एकादश चतुर्युग ब्रह्मा के एक दिन में, एकादश चतुर्युग में एक मनमंत्र, ब्रह्मा का आयुष्काल देखिए कितना बड़ा है, एक मनमंत्र समान कितना है, एकादश चतुर्युग में एक मनमंत्र और चतुर्दश मनमंत्र में ब्रह्मार एक दिन, और ब्रह्मार एक दिन में भगवान श्री कृष्ण एक बार आएंगे, दोबार नहीं आएंगे। तो किंतु यह प्रश्न होता है कि कृष्ण जब आए उसी नेक्स्ट जैसे दापर में भगवान कृष्ण आए, कोली में श्री चैतन्य महाप्रभु आएंगे, यही तो क्रम है। जिस दापर में भगवान कृष्ण आएंगे तो नेक्स्ट कोली में वही कृष्ण चैतन्य के रूप में आएंगे। तो आप कह रहे कि ब्रह्मा एक दिन में भगवान कृष्ण का एक बार अवतरण है, तो यहाँ तो दो अवतार दिखाई पड़ रहे हैं, कृष्ण भी आ रहे हैं और चैतन्य भी आ रहे हैं। तो इसका उत्तर दे रहे हैं कि ब्रज लीला और नवद्वीप लीला एक है, दो नहीं है। ब्रज का अवतार और नवद्वीप के अवतार एक है। ब्रज लीला पूर्व माने आरंभ है, नवद्वीप लीला समाप्ति है, ठीक ना। ब्रज लीला से शुरू होता है और समाप्ति कहाँ होता है, नवद्वीप लीला में। तो इसीलिए दो अवतार नहीं है, एक ही अवतार। भगवान श्री कृष्ण का ब्रजेंद्र नंदन का आविर्भाव है श्री चैतन्य महाप्रभु, उनका आविर्भाव है श्री चैतन्य महाप्रभु, दूसरा कोई नहीं है, श्री कृष्ण ही श्री चैतन्य महाप्रभु है। प्रश्न स्पष्ट, यह श्लोक में दिया, देखिए जो इसी अध्याय में ब्रह्मार एक दिने तेहो एक बार, ब्रह्मार एक दिने तेहो एक बार अवतीर्ण होया करें प्रकट विहार। ये तो प्रश्न उठाया भाई, ब्रह्मा के एक दिन में ठाकुर जी एक बार आते हैं, तो आप यहाँ कह रहे हैं कि
दो बार क्यों आते, श्री कृष्ण भी आते चैतन्य भी आते। तो कह रहे कि नहीं, चैतन्य लीला और व्रज लीला, वृंदावन की लीला और नवद्वीप की लीला एक है, अंतर नहीं है, कोई पार्थक्य नहीं है। ब्रज लीला के जो अवतार है और कृष्ण जो नवद्वीप के जो अवतार हैं एक अवतार है, और ब्रज लीला जहाँ शुरुआत है नवद्वीप लीला समाप्ति है। ब्रज लीला शुरू है, नवद्वीप लीला समाप्ति है, अतएव दो अवतार नहीं है, एक ही अवतार है। तो ब्रज लीला में भगवान कृष्ण रागानुगा भक्ति का जस्ट संकेत किया था। ब्रज लीला में श्री कृष्ण जो देना चाह रहे थे वो दिया नहीं। ब्रज लीला में कृष्ण प्रेम जो रागानुगा भक्ति, मन मना भव मद भक्तो मद जाजे मम नमस्कुरु, ये रागानुगा है, श्लोक है। तो ये रागानुगा जस्ट माने लक्ष्य तो बता दिया, किंतु साधन भक्त के रूप में साधन कैसे करना है वो नहीं दिखाया। वो नहीं, जो सिद्धि है जीवन का सिद्धि है ब्रज प्रेम, ये तो बता दिया अर्जुन को कि जीवन का लक्ष्य है ब्रज प्रेम, कृष्ण प्रेम, किंतु उसको कैसे प्राप्त करना है उसको सिखाया नहीं। एक कमी रह गया द्वापर युग में, क्योंकि ये धन जिसका होगा वही तो दे सकते हैं। भगवान कृष्ण के पास प्रेम नहीं है, प्रेम किसके पास है, श्रीमती राधारानी प्रेम की भंडार है, श्रीमती राधारानी प्रेम के भंडार है। अतः भगवान कृष्ण के रागानुगा भाव ये है कि ब्रज परिकर के अनुगत्य में, किसी का अनुगत्य चाहिए, अनुगत्य में ये प्रेम प्राप्त किया जा सकता है। ब्रज परिकर के अनुगत्य में रहकर अगर कोई भक्ति करे तो उसी के ब्रज भक्ति प्रेम मिलेगा, दूसरे को नहीं। तो ये प्रेम किसके पास था, श्रीमती राधारानी के पास। तो भगवान श्री कृष्ण सोचे कि जो राधारानी के पास जो प्रेम है, ये प्रेम जो कांति है, कांति भी लेंगे और इनका प्रेम हृदय में धारण करेंगे और सभी जीवों में इसका प्रदान करेंगे। यही गौर अवतार का लक्ष्य था। गौर अवतार में श्री कृष्ण प्रेम प्रदान करना ही उद्देश्य था। कृष्ण अवतार में कृष्ण प्रेम प्रदान करने का उद्देश्य नहीं था, जस्ट लक्ष्य बता दिया, इतना ही किया। किंतु गौर अवतार में भगवान श्री कृष्ण ने क्या किया, राधारानी कांति लेकर अपना कांति को छिपा दिया, अपना कांति को दबाकर गौर कांति को लेकर हाँ और गली गली में कृष्ण नाम का वितरण किया। कृष्ण का तीन इच्छाएं थी, कृष्ण की तीन इच्छाएं क्या क्या, तीन इच्छा है कि श्री राधाया प्रणय महिमा, श्री राधा की प्रेम की महिमा कैसी है। हमारे में जो माधुर्य है वो राधारानी कैसे आस्वादन करते हैं, श्री राधाया प्रणय महिमा कीदृशो व अनया एवं असाध्य जिनाद्भुत मधुरिमा। श्रीमती राधारानी प्रेम की महिमा कैसी है। दो नंबर, हमारे जीवन में माधुर्य है वो राधारानी को कैसे लगता है और इसका आस्वादन कैसे करते हैं। तीन प्रश्न, तीन उनका इच्छा है। पहले है राधारानी प्रेम की महिमा, हमारे माधुर्य जो मैं नहीं जानता हूँ, जैसे है ना, आपने में आपने का महिमा जानना मुश्किल है, तो इसके लिए दूसरा शरीर धारण करना पड़ेगा। तो इसीलिए आपने माधुर्य को भी जानना है, राधारानी इसको कितना आनंद लेते हैं, तो इस आनंद को लेने के लिए, जानने के लिए श्री ठाकुर जी इस कांति को धारण किया। और है इस राधारानी के सुख कैसा है, कैसे सुख मिलता है उनको इस माधुर्य का आस्वादन करके,
उनको कितना सुख मिलता है। कारण कि राबड़ी तो है, राबड़ी खाने से हाँ जो खाएगा उसी को मिलेगा, राबड़ी को नहीं मिलेगा। कृष्ण है विषय, राधा रानी है आश्रय। विषय में सुख नहीं है, आश्रय सुख का आस्वादन करते हैं। विषय विषय जो है राधारणी, राधारणी आश्रय तत्व है और कृष्ण विषय तत्व है। तो विषय आश्रय विषय का आस्वादन कर सकते हैं, विषय विषय को आस्वादन नहीं कर सकते हैं, एक कारण है। तो तीन इच्छाएं कृष्ण गौर लीला में पूर्ण किए। तीन इच्छाएं क्या? श्रीमती राधारणी प्रेम की महिमा, अपने में माधुर्य, और राधारणी इसको कितना सुख मिलता है, राधारणी को सुख की कितनी कितना सुख प्राप्त होता है, उसी को जानने के लिए भगवान श्री कृष्ण गौर रूपे अवतरित हुए। उसी प्रकार राधारणी की भी तीन इच्छाएं थी, श्रीमती राधारणी की भी तीन इच्छाएं थी। क्या क्या? ना जब ठाकुर जी गोष्ठ में जाते हैं, गाय चराने के लिए जाते हैं, तो कितना कंकड़ पत्थर घर में रहने से तो अपना अच्छा से सब कुछ सेवा कर लेते, किंतु जब बाहर जाते उस समय पीड़ा का सहन नहीं होता था कि उसको कैसे मैं दूर करें। बाहर रहते समय ठाकुर जी का पीड़ा का कैसे दूर करें। तो राधारानी के मन में एक पीड़ा थी, एक दुख थी कि ठाकुर जी की ठीक से मैं सेवा नहीं कर पा रहे, किंतु उस पीड़ा का गौर अवतार में पूरा करेंगे। कैसे? कि जब ठाकुर जी धरती पर गिरेंगे तो मैं सहन करूँगी, क्योंकि कांति है गौर कांति, राधारानी कांति है, अंतर कृष्ण है और बाहर राधा कांति है। जब ठाकुर जी धरती पर गिरेंगे, कुछ काटा चुभेगा तो किसको मिलेगा? गौर कांति को मिलेगा ना। तो अतएव गौर कांति के रूप से मैं ठाकुर जी की रक्षा करेंगे। बात समझ में आ रहे? से पहले तीन प्रश्न सुन लीजिए, राधारानी की तीन इच्छाएं की। तीन इच्छाएं, पहला है कि ठाकुर जी की ठीक से रक्षा नहीं कर पा रहे, पहला। दूसरा नंबर है कि निकुंज में अपनी इच्छाएं पूरी नहीं कर पाई। अगर रोना है तो सब लोग देखेगा, तो जहाँ धुआं है उसी के बहाने से रोना पड़ता है कि भाई धुआं, किसी घर में जो धुआं लग रहा है, शरीर आँख में धुआं, तो उसी के बहाने से रोना पड़ता है, दिल खोल कर रो नहीं पाते। निकुंज में राधा जी रो नहीं पाते, ठाकुर जी से ठीक से मिलन करना संभव नहीं था, संभव निकुंज में अपने को छिपाना पड़ता था, किंतु गौर लीला में छिपाए नहीं, जमकर सेवा किए। ताहले पहला क्या था राधारानी की इच्छा, कि मैं रक्षा नहीं कर पाया कृष्ण लीला में, निकुंज में कृष्ण लीला में, और दूसरा क्या है, छिपाना। निकुंज में मैंने छिपाना पड़ता है, किंतु गौर लीला में छिपाना नहीं पड़ेगा। और तीसरा नंबर क्या है, ना निकुंज में ठाकुर जी के ब्रज लीला में मैं प्रभु का नाम प्रचार नहीं कर पाया, क्योंकि सखी सखी है अपने जनों को ही दे सकते हैं, एक सखी को अपने मन की बात बता सकते, कृष्ण लीला की कथा सुना सकते, दूसरे को नहीं सुना सकते। अच्छा, प्रचार माने कृष्ण की वाणी किसी को दूसरे को सुना नहीं सकते, किंतु गौर लीला में मैं सबको दिल खुल से, सब लता पाता हाँ, सबको मैं कृष्ण नाम वितरण करूँगा। तो तीन इच्छाएं, क्या क्या? तीन इच्छाएं थी, सबसे पहले रक्षा करूँगी गौर लीला में, ठाकुर जैसे गिरेंगे काटा चुमेंगे तो गौर अवतार, कारण कांति तो गौरांग महाप्रभु राधा कांति, तो कृष्ण गिरे तो किसके पर गिरेंगे, तो राधा कांति पर ही गिरेंगे, तो तभी रक्षा करूँगी ठीक से। दूसरा नंबर छिपाना, निकुंज में मैं नहीं छिपा माने छिपाना पड़ता है गौर लीला में, हाँ अपने आपको छिपाना पड़ता है, भाई रोना है, आलिंगन करना है, ऐसे समाज में ऐसे कर सकते नहीं कर सकते, किंतु गौर लीला में हम
जमकर ठाकुर जी से प्रेम करेंगे, क्योंकि गौर अवतार का ये था। और तीसरा नंबर, निकुंज में प्रचार नहीं कर पाया। राधा जी चाहते कृष्ण इतना महान है, इनके घर घर में जन जन में प्रचार करें, किंतु संभव नहीं था। किंतु गौर लीला में ये संभव हुआ कि महाप्रभु जब झारखंड के रास्ता पे आ रहे थे, लता पाता पशु पक्षी जीव जंतु सबको प्रेम दिया, कोई किसी को छोड़ा नहीं। महाप्रभु की तरफ जो देख लिया उसका नाम जीभा पे कृष्ण नाम का उदय हो गया। ये है। और तीसरा, सुखियों की भी तीन इच्छा। अगर आपको इसको सुनना है, नरोत्तम ठाकुर की प्रार्थना, उसका जब वाहन 52-53 प्यार्स, उसको जाके पढ़े। सुखियों की तीन इच्छा क्या, ना आत्मा राम आप तो काम और गुरुद्रोह। कृष्ण आत्मा राम है, वो किसकी किसी की जरूरत नहीं है। ये सुखियों को चुभता था काटा, जे हम इतना इनके लिए कर रहे हैं, इनका हमारे प्रति कोई ध्यान नहीं है। हाँ, इनका कोई माया ममता नहीं है हमारे प्रति। कृष्ण के लिए हम लोग रो रहे हैं और इनका हमारे प्रति कोई ध्यान ही नहीं है। एक सुखे को बड़ा चुभता था कि एक काटा था कि इनका कोई ये हमारे प्रति कोई ध्यान नहीं है। पहला है आत्मा राम आप तो काम, इसकी किसी की सेवा की भी जरूरत नहीं है। ये आप तो काम है, कृष्ण की सेवा की किसी की जरूरत नहीं है। तो ये भी सुखी चाहते हैं कि सेवा करें, किंतु उनकी एक काटा एक मन में दुख था कि इनके ठीक से सेवा कर नहीं पा रहे हैं, क्योंकि आप तो काम है। और तीसरा क्या है, गुरुद्रोह। इनका कोई कोई मतलब इस कोटि में आते हैं कि भगवान कृष्ण गुरुद्रोही है, माने सखियों की ये भी एक काटा था। इस उत्तर ये है, जब चैतन्य महाप्रभु शिक्षाष्टकम में देखिए एक श्लोक आता है, ओइ नंद तनुज किं करम पतितं माम विषमे भवाम बुधो। यहाँ ठाकुर जी दीनता धारण किए, कृष्ण ही यहाँ दैन रूप धारण किए कि भवाम बुधो, मैं गिर गया हूँ इस संसार समुद्र में, आज गिर गया, मुझे यहाँ से उद्धार कीजिए। दैनता का प्रकट किया इसी श्लोक में ठाकुर जी, दैनता का प्रकट किया कि यहाँ आत्माराम नहीं है, यहाँ ठाकुर जी दैनता का भाव धारण कर रहे। आप तो कम के असली सेवा पादरतम पिनस्तुमम अदर्शना। यहाँ देखिए भावना, मुझे जैसे भी रखे, आलिंगन करे और पिसाई करे, मैं आपकी सेविका हूँ। श्री चैतन्य महाप्रभु राधा भाव में कह रहे हैं कि मुझे मैंने सेवा मांग रहे, जैसे भी रखे मैं आपकी सेविका हूँ, मैं आपकी सेवा करना चाहता हूँ। ये महाप्रभु स्वयं प्रार्थना कर रहे हैं। और गुरुद्रोह की ना जुगायितम निमेश न चक्षुषप वृषायितम, मैं एक क्षण के लिए, जैसे कृष्ण की कोई भावना नहीं थी, ये सखियाँ मरे चाहे जिए इसे कोई भावना नहीं था, कोई किसी प्रकार की। हाँ, कृष्ण की कोई भावनाएं किसी प्रकार की दुख नहीं था कि सखी जैसे भी रहे। हाँ, तो उस समय कृष्ण गौर लीला में जुगायितम निमेशन चक्षुषापा वृषायितम शून्यायितम जगत सर्वम, एक क्षण के लिए भी श्रीमन महाप्रभु रह नहीं सकते। हाँ, जुगायितम निमेशन चक्षुषापा वृषायितम शून्यायितम जगत सर्वम गोविंद विरह, वहाँ विरह नहीं है। सखिया जैसे भी रहे मरे चाहे जिए उसे कोई मतलब नहीं, किंतु यहाँ एक क्षण के लिए भी सहन नहीं हो रहा है। गौरांग महाप्रभु अवतार में, गौर अवतार में श्रीमती राधारणी रूप में यहाँ जो प्रार्थना है श्रीमती राधारणी की प्रार्थना है। महाप्रभु राधा भाव में पहले दैनता, दूसरा नंबर सेवा, और तीसरा नंबर एक क्षण के व्यति मैंने बिना मैं रह नहीं सकती। पहले तो कोई परवाह नहीं था किसी प्रकार से रहे, किंतु यहाँ एक क्षण के लिए भी रहना मुश्किल हो रहा है। तो तीनों शिक्षाएँ, तीनों की इच्छाएँ हम सुने हैं।
तो आज के श्लोक में एक समय पार हो गया। कोली जुगे जुग धर्म नामेर प्रचार तोथि लागे पीत वर्ण चैतन्य अवतार। कोली जुग की धार्मिक विधि यह है कि भगवान के पवित्र नाम को महिमाओं का प्रसार किया जाए, पवित्र नाम को, नाम की महिमाओं को प्रसार किया जाए। केवल इसी उद्देश्य में भगवान पीत रंग लेकर श्री चैतन्य रूप में अवतरित हुए हैं। तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद लिखते हैं, इस कलियुग में हर एक के लिए धर्म की व्यवहारिक विधि यही है कि वो ईश्वर के नाम का कीर्तन करे, प्रभु के नाम का कीर्तन करे। इसका सूत्रपात इस युग में भगवान श्री चैतन्य ने किया। भक्ति योग का शुभारंभ ही पवित्र नाम के कीर्तन से होता है। रोज प्रभुपाद जी की किताब को एक घंटा कम से कम पढ़े, हाँ, बहुत मार्मिक श्लोक है, बहुत कीमती श्लोक है। प्रभुपाद जी का जो भाव है वास्तविक बड़ा सुंदर है कि ईश्वर के नाम का कीर्तन करे। इसका सूत्रपात इस युग में भगवान श्री चैतन्य ने किया। भक्ति योग का शुभारंभ है पवित्र नाम के कीर्तन से ही होता है, जिसकी पुष्टि मध्याचार्य ने मुंडक उपनिषद के अपने भाष्य में की है। उन्होंने नारायण संहिता के इस श्लोक का प्रमाण दिया है, दापर्य जने विष्णु पंचरात्रेस्तु केवले कलौ तु नाम मात्रे न पूज्यते भगवान हरि ही। दापर युग में लोगों को भगवान विष्णु की पूजा नारद पंचरात्र तथा अन्य ऐसे प्रामाणिक पुस्तकों के विधानों के द्वारा ही करनी चाहिए, किंतु कलियुग में लोगों को चाहिए कि ये केवल पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के पवित्र नामों का कीर्तन करें। हरे कृष्ण मंत्र का उल्लेख कई उपनिषदों में विशेष रूप से किया गया है तथा कलि संतरण उपनिषद में जहाँ यह कहा गया है, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, इति षोडशकम् नाम्नाम् कलि कल्मष नाशनम् नाथ परतरोपाय सर्ववेदेषु दृश्यते। समस्त वैदिक साहित्य में खोजने के बाद इस युग के लिए हरे कृष्ण के कीर्तन से अधिक उत्कृष्ट अन्य कोई धर्म विधि नहीं मिलेगी। तो इस श्लोक में चैतन्य महाप्रभु, देखिए इसका श्लोक क्यों कहा गया। इस श्लोक में इसका पहले 7-8 श्लोक पहले, युग धर्म प्रवर्तन हय अंश होते आमा बिना अन्य नारे ब्रज प्रेम दीते। इस श्लोक में कहा है कि युग धर्म का प्रवर्तन हय अंश होते, जे हरे कृष्ण महामंत्र का प्रचार ये तो युग युग अवतार कर लेंगे। जो ठाकुर जी युग युग में अवतरित होंगे तो युग धर्म का हरे कृष्ण महामंत्र का प्रचार करेंगे। हर कलियुग में नाम प्रचार है, ऐसे नहीं कि इसी कलियुग में, नाम प्रचार हर कलियुग में। तो आवाज आ रही है, हाँ, तो हर कलियुग में नाम का प्रचार है, किंतु जो प्रेम कृष्ण प्रेम का प्रचार दूसरे युगों में नहीं है, यही अंतर है। भगवान कृष्ण जब आते युग युग में तो नाम प्रचार निश्चित होता है, हर कलियुग में नाम प्रचार होता है, किंतु इस कलियुग में विशेष रूप से कृष्ण प्रेम जिस चैतन्य श्री कृष्ण ने जो नहीं दिया, वो प्रेम इस कलियुग में श्री चैतन्य महाप्रभु ने प्रदान किया। इस कलियुग में ये विशेषता है। और यह विशेष एक बात लिखे है कि ये जो 16 नाम 32 अक्षर ये बहुत ही महत्वपूर्ण, इति षोडशकम् नाम्नाम् कलि कल्मष नाशनम् नातो परतुर उपाय सर्व वेदेषु दृश्यते। सभी वेदों में जब पृथ्वी आप नारद और भक्ति संवाद पढ़ेंगे, भक्ति और नारद जी के संवाद, जब भक्ति के दो पुत्र ज्ञान और वैराग्य, तो भक्ति पुष्ट है,
ज्ञान वैराग्य दुखी है। तो नारद मुनि आकर जब मिले सब बातें सुनाएंगे कि कोली के प्रभाव से ये सब हो रहा है, कोली के प्रभाव से आपका ये दो पुत्र जब भक्तिवाणी कहेंगे, जिस समय मैं वृंदावन में आया तो वृंदावन में पुष्ट हो गया, किंतु मेरा दो पुत्र जर्जर हो गया, बिल्कुल अकेज हो गया, बेहोश हो गया। तो नारद मुनि उस समय उनको भक्ति महारानी को क्या सुनाएंगे, कोली के प्रभाव सुनाएंगे, एक कोली के प्रभाव से सब हो रहा है। तो भक्ति महारानी प्रश्न किया कि परीक्षित महाराज के समय में एक कोली राज आए, कोली राजा किस समय, परीक्षित महाराज के समय में, तो परीक्षित महाराज इसको रहने क्यों दिया, प्रश्न ये था। भक्ति महारानी का प्रश्न था कि इस कोली युग में परीक्षित महाराज इसको, इसका इतना अभद्र स्वभाव है, कोई अभद्र लोग को रहने देंगे, तो इसको रहने क्यों दिया। तो नारद मुनि इसका उत्तर दे रहे हैं, जस फलम नास्ति तपसा न जोगे न समाधिना तत्फलम लभते सम्यक कोलो केशव कीर्तनात्। कोली युग में किसी योग तपस्या कोई बल नहीं है, केवल केवल हरिनाम संकीर्तन के प्रभाव है। कोई अगर प्रेम से हरिनाम का संकीर्तन करे तो उसका निश्चित बहुत बड़ा फल मिलेगा। तो जत फलम नास्ति तपसा न जोगे न समाधिना तत्फलम लभते सम्यक कोलो केशव कीर्तनात्। तो इसलिए महाप्रभु क्या कहे, चेत दर्पण मार्जना। महाप्रभु का लक्ष्य है कि जीव के जड़ से जो अभद्र के उसको नाश करना है, जो कामना वासना है उसको निकालना है। चेत दर्पण मार्जनम, चित्रूप दर्पण का मार्जन कैसे होगा, एकमात्र नाम संकीर्तन से। हरे कृष्ण महामंत्र कीर्तन से सात प्रकार का फल प्राप्त होता है कि नहीं। चेत दर्पण मार्जनम भव महादावाग्नि निर्वापनम श्रेय कैरव चंद्रिका वितरणम, ये तीन श्रेय कैरव चंद्रिका वितरणम। हाँ, इसका अर्थ बड़ा सुंदर है। देखिए चेत दर्पण, एक शब्द का अर्थ दिखाता हूँ। देखें चेत दर्पण मार्जनम, चित्ते मल मल है, जैसे मिरार में अगर मेल है तो अपना स्वरूप नहीं देख सकते, इसी प्रकार चित्त में मल होने के कारण हमारे स्वरूप को उपलब्धि नहीं हो रहा है। तो चित्त में मल है कामना, एक कामना ही मल है। एक कामना के समाप्ति करने का सरल उपाय क्या है, हरिनाम। जिस समय चित्त साफ हो जाएगा, जैसे मैं आपको देख रहे हैं तो इसके बीच आपको नहीं देखेंगे, हम अपना इष्ट को देखेंगे। जैसे आप लोग को देख रहे हैं, इसके बीच में कितना गैप है, ये बीच में ठाकुर जी है। जहाँ जहाँ नेत्र पड़े तहाँ कृष्ण स्फुर। जिस समय चित्त साफ हो जाएगा उस समय हर कण के कारण भगवान कृष्ण विभु है, अनंत है, सर्वज्ञ है, विभु है, वो कण कण में प्रभु विद्यमान है। तो इस तत्व जब चित्त निर्मल हो जाएगा तब ये संभव है। हाँ, चेत दर्पण मार्जनम, चित्त रूप दर्पण को निर्मल करना पड़ेगा। और भव महादावांग निर्वापनम, एक भव निर्वापनम और एक महादावांग निर्वापनम। जैसे हरिनाम से, हरिनाम करने से हमारा भव निर्वापन हो जाएगा, संसार का जावागमन ये भी समाप्ति होगा, और जो ये विशेष रूप से जो हमारे संसार में जो आना जाना है ये समाप्त हो जाएगा। संसार मतलब स्त्री पुत्र परिवार को संसार नहीं कहते, संसार कहते जो बार बार आना जाना, इसी को संसार कहते। हाँ, भव महादावांग निर्वापनम, अश्रेय कैरव चंद्रिका वितरणम। जैसे कुमुदिनी कब खिलते, ज्योत्सना के रात में कुमुदिनी लिली जो फूल, छोटे छोटे फूल है, वो कब खिलता है, ज्योत्सना के रात में, जो पूर्णिमा के रात में, क्योंकि शीतल है। उसी प्रकार श्रेय रूप कैरव, हमारे हृदय जो जो श्रेय है, एक श्रेय है एक प्रेय है, एक श्रेय वस्तु है और एक प्रिय वस्तु। प्रिय वस्तु विषय सुख है और श्रेय वस्तु परमार्थिक सुख है। तो श्रेय वस्तु कब खिलेगा, जब हरिनाम का आश्रय लेंगे। श्रेय कैरव चंद्रिका,
जैसे चंद्रमा के उदय से कुमुदनी खिलता है, उसी प्रकार श्रेय रूप जो हृदय में मंगल का उदय कब होगा, जब हम हरिनाम का आश्रय ग्रहण करेंगे। यह उत्तर। अब विद्यावधुर जीवनम का अर्थ क्या है? विद्यावधुर जीवनम, बधु शब्द का अर्थ है बांधना। किसी घर में बधु जाते, वो किसी को जानते नहीं किंतु सबको बांध लेते, ये एकदम अपना अपना माना। बधु मतलब सबको बांध के रखना, इसको कहते बधु। तो विद्यावधु है कृष्ण भक्ति। विद्यावधु क्या है? कृष्ण भक्ति। जैसे कृष्ण भक्ति आप जाजन करेंगे, कृष्ण भक्ति प्राण सर्वोच्च कृष्ण नाम, कृष्ण नाम करेंगे तो कृष्ण भक्ति उदय होगा हृदय में, कृष्ण नाम छोड़ देंगे तो कृष्ण भक्ति लुप्त हो जाएगा। विद्यावधुर अर्थ क्लियर? विद्यावधुर जीवनम, विद्यावधु है कृष्ण भक्ति। विद्यावधु का शब्द का अर्थ क्या किया? कृष्ण भक्ति। कृष्ण भक्ति का उदय कब होगा? जब हम कृष्ण नाम ग्रहण करेंगे। जब हम कृष्ण नाम ग्रहण करेंगे तब कृष्ण भक्ति हृदय में प्रकाशित होगा, और जब हम कृष्ण नाम छोड़ देंगे तो कृष्ण भक्ति लुप्त हो जाएगा। तो इस प्रकार से सात प्रकार के फल है। समय समाप्त तो हो चुका है, एक दो मिनट है, किसी का कोई संदेह है तो हम वहाँ, कोई किसी का समझ में कम आई है सुनने में। देखिए, धर्म अर्थ काम मोक्ष ये चार ही कृष्ण प्रेम प्राप्ति के बाधक है। कृष्ण प्रेम है चिन्मय तत्व, ये काम मोक्ष के जाने पर भी आपको आना पड़ेगा। हमको आने की जरूरत नहीं, हमको कृष्ण सुख का आस्वादन करना है। अगर मोक्ष की भावना है, दीयमानम न गृह्णन्ति बिना मत सेवनम जनः, सेवा सुख नहीं मिलेगा। वहाँ ले ना शास्त्रीय सामीप्य सारूप्य सामीप्य एकत्तम अपियुत दीयमानम न गृह्णन्ति, देने पर भी भक्त लेना नहीं चाहते। कारण क्या? वहाँ सेवा सुख नहीं है, सेवा सुख अभाव है। मोक्ष मतलब साजुज मिल गया, सारूप्य मिल गया, क्या सेवा है? कुछ सेवा तो है नहीं। ठाकुर जी की सेवा भक्त चाहते, सेवा चाहते, सेवा। हाँ, ये अर्थ है। हाँ, यस सर। सुना, राधा रानी अपनी अंग कांति से भगवान की सेवा करती है। हमने थोड़ा सा ये सुना था कि राधा रानी गदाधर के रूप में भगवान की सेवा करती है। हाँ, इसमें क्या दिया जाए? गौर लीला में गदाधर और ब्रज लीला में श्रीमती राधा रानी सेवा करती है। हाँ, और क्या? नहीं, आपने बोला अंग कांति से, जैसे अपने, अच्छा, अंग कांति, वेरी गुड, बहुत सुंदर। मैंने कांति को धारण करना है। राधा जी कृष्ण गौर कांति को, महा राधारणी की कांति को धारण किया कि जब मैं गिरूंगी, ठाकुर जी गिरेंगे तब मैं धारण करूंगी। जो अंग कांति है ना, अंग कांति राधा जी की है, कृष्ण की अंग कांति, चैतन्य महाप्रभु का अंग कांति क्या है? श्रीमती राधारानी। अंदर कृष्ण है, कृष्ण जब गिरेगा तो राधारानी उसकी रक्षा करेंगे। शरीर से रक्षा, शरीर से सेवा ब्रज लीला में, किंतु यहाँ गौर लीला में चैतन्य महाप्रभु साक्षात कृष्ण और राधा के मिलित तनु है। राधा गदाधर से है एक्सटेंशन माँ, ये तो है, किंतु राधा कृष्ण मिलित तनु है श्री चैतन्य महाप्रभु। श्री चैतन्य महाप्रभु कृष्ण है, किंतु यहाँ राधा कृष्ण एकत्रित है। वही राधा है, वही कृष्ण है। जैसे सची माता बोलती थी ना, हाँ, आप इनका ध्यान रखो, हाँ, हाँ, सेवा करना, हाँ, तो वही विश्वास नहीं, कुछ भी कर लेता है। हाँ, वही बात है। तो वही बात है कि राधा कृष्ण का मिलित तनु है श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु, उस भाव का वही अर्थ है। हाँ, जिस समय कृष्ण ठाकुर जी गिरेंगे व उनके
काटा में चुभेंगे तो राधा जी उनकी शारीरिक रक्षा, जब उसी अवस्था में चैतन्य महाप्रभु रक्षा करेंगे, जब राधा कृष्ण को रक्षा करने तो गदाधर करेंगे, ठीक है ना। तो उस समय गदाधर जी करेंगे, गदाधर भी रोल बड़ा सुंदर है कि महाप्रभु के, जब महाप्रभु कहे कि हम माने अपना छाती को फाड़ना चाहे कि देखिए, बोले नहीं नहीं कृष्ण तो इतना सांत्वना देंगे कि नहीं ऐसे नहीं करना चाहिए। तो उस समय माँ जसोदा माँ सची माता कहे थे कि गदाधर आप गौरा हमारी सच माने निमाई की रक्षा के लिए आप हमेशा रहना, एक भाव है। यस बहुत ही सुंदर लगता है आपका, बहुत ही मतलब कुछ गहरी बात भी है इसमें और कुछ नॉर्मल भी है। इंप्रूव मेरा ये प्रश्न है कि जैसे आपने बताया जो कृष्ण है वो विषय है और राधा रानी आश्रय है, विषय का मतलब तो हम ये समझते हैं कि किसी चीज का भोग करना मतलब विषय है, विषय वस्तु है ना। तो कृष्ण जो विषय है तो वो विषय कैसे है, नंबर एक तो ये है मेरा प्रश्न। और कृष्ण जो विषय है तो उसमें आनंद क्यों नहीं है, क्योंकि कृष्ण तो आनंद के भंडार है, आगार है वो जो जो राबड़ी खाते हैं ना वो स्वयं राबड़ी का टेस्ट ले नहीं पाते हैं। माने श्री कृष्ण है राबड़ी और राधा जी हैं खाने वाला, हाँ। तो राबड़ी स्वयं कृष्ण स्वयं आस्वादन नहीं कर सकते, किंतु राधा जी आस्वादन कर सकते हैं। आस्वादन के लिए दूसरा चीज होना पड़ेगा, राधा जी आश्रय जो आश्रय जाती सुख है वो विषय को आस्वादन कर सकते हैं, किंतु कृष्ण स्वयं स्वयं को आस्वादन नहीं कर सकते। यहाँ आपको इस प्रकार से लेना, सेवा की भावना से देख, इस भाव है कृष्ण भंडार है, कृष्ण प्रेम की भंडार है, सभी कुछ है, किंतु राधा जी इसका चाबी काटी है, ये जो की है जब तक राधा जी इसका खुलेंगे नहीं तो इसका कोई माने आनंद का उपभोग नहीं कर पाएंगे। कृष्ण आनंद का स्वरूप है, किंतु राधा जी जब तक नहीं उसका साथ नहीं देंगे तब तक कृष्ण आनंद का आस्वादन नहीं कर पाएंगे, हाँ। राधा जी की बहुत महिमा है, आश्रय लेना ही पड़ेगा, बिना आश्रय से विषय का सुख मिलेगा नहीं, हाँ श्योर एकदम। इसलिए एक जगह लिखा है रागानुगा भक्ति का चार स्तंभ है, रागानुगा भक्ति का चार स्तंभ है। सबसे पहला है अनुगत्य, सबसे पहला है अनुगत्य, दूसरा नंबर है लोभ, दूसरा नंबर है लोभ, और तीसरा नंबर है राधा दास्य, हमें राधा रानी की दासी है। जब तक ये भावना नहीं है रागानुगा में प्रवेश नहीं होगा। और चतुर्थ नंबर है अपना स्वरूप, हमें किस स्वरूप में है, स्वरूप मतलब यहाँ एक स्वरूप है निकुंज में, एक स्वरूप है जैसे रूप गोस्वामी साधक अवस्था में, सिद्ध अवस्था में रूप मंजरी, साधक अवस्था में रूप गोस्वामी और सिद्ध अवस्था में रूप मंजरी, वहाँ एक स्वरूप है, उस स्वरूप से वहाँ सेवा होगी। हम सब वैधि भक्ति कर रहे साधना कर रहे तो हम रूप गोस्वामी का अनुसरण करेंगे, रूप गोस्वामी का फॉलो करेंगे, जब हम निकुंज में जाएंगे वहाँ रूप मंजरी का फॉलो करेंगे। यहाँ हम एकादशी करेंगे, निकुंज में एकादशी नहीं है, निकुंज में जहाँ ब्रज लीला में वहाँ एकादशी नहीं है, वहाँ फास्टिंग नहीं है, हाँ। इस माने ये बात है, मतलब इसका साधारण में चर्चा भी नहीं, किंतु बात सत्य है कि निकुंज में से माने एकादशी व तुलसी सेवा, हाँ ये सब वहाँ नहीं है निकुंज में। ये भावना मत रखें कि हम निकुंज में पहुँच गया हम इसको छोड़ देंगे तो सहज या बन जाएंगे। अगर छोड़ मान लीजिए कि मैं निकुंज में पहुँच गया, मुझे एकादशी नहीं करना है, तुलसी सेवा नहीं करना है, गुरु परंपरा की सेवा नहीं करना है, कुछ नहीं करना है, खा पी के दो रोज सो जाओ, ऐसे नहीं चलेगा, वो सहज या है। हम यहाँ रूप गोस्वामी का अनुसरण करेंगे क्योंकि उन्होंने जैसे एकादशी करते, गुरु परंपरा की सेवा करते, तुलसी सेवा करते, हम रूप गोस्वामी का फॉलो करेंगे और रूप गोस्वामी मुझे रूप मंजरी के पास ले जाएंगे,
रूप गोस्वामी जब देखेंगे परिपक्व हो गया, उनकी दायित्व है रूप मंजरी के पास पहुँचाना। बस समझ में आया? कोई हमने इधर उधर की तो नहीं जे कुछ उल्टा सीधा समझे फिर जाके बोलेंगे यार प्रभु जी नहीं सुनाया, आप ही कह रहे हैं, ऐसे नहीं है। रूप गोस्वामी के अनुसार चलेंगे तो हम रूप मंजरी के पास पहुँच जाएंगे। ठीक है, हरे।